योगी रचेंगे इतिहास तो टूटेंगे कई रिकॉर्ड। यूपी में जो कोई नहीं कर सका क्या वो योगी आदित्यनाथ करके दिखाने वाले हैं। योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मतलब है जो कभी नहीं हुआ यूपी में वो होने जा रहा है। जिंदगी भर जिस डर से मायावती और मुलायम सिंह यादव डरते रहे, क्या उसी डर का शिकार हो गए अखिलेश यादव। योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में 70 साल से चली आ रही एक गलतफहमी दूर हो जाएगी। चार बार मुख्यमंत्री मायावती रही, मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भी यूपी में कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन कोई भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहकर दूसरी बार चुनाव नहीं जीत सका। योगी इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या होने वाला है, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जिट पोल के नतीजों में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा होता है तो योगी इतिहास रचने जा रहे हैं। 1950 में उत्तर प्रदेश में जब पहली बार चुनाव हुए, तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कोई 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करके दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बना। अगर यूपी में दूसरी बार योगी सरकार आती है तो ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है। यूपी की राजनीति का ये भी बड़ा रोचक पहलू है कि किसी पार्टी की सत्ता यहाँ पर रिपीट नहीं हुई। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये एक कमाल होगा। 1950 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री बदलते रहे। इसके बाद 1980 से 1989 तक फिर से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 9 साल में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री बदल डाले थे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 1997 से 2002 तक पहली बार 5 साल के लिए सत्ता में आई, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने भी 3 मुख्यमंत्री बदल डाले। जब बीजेपी ने 21 दिसंबर 1997 को सरकार बनाई तो कल्याण सिंह सीएम थे। इसके 2 साल बाद सीएम बदलकर राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। इसके 351 दिन बाद राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर बीजेपी ने राजनाथ सिंह को सीएम बना दिया था उत्तर प्रदेश का। इसी तरह से 3 जून 1995 को मायावती पहली बार यूपी की सीएम बनी, लेकिन सरकार 18 अक्टूबर 1995 तक ही चल पाई थी, यानी कि सिर्फ 137 दिन तक। इसके बाद भी मायावती और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सका कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सके हो। इसके साथ ही नोएडा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मिथक रहा है। कहा जाता है कि सीएम रहते नोएडा का दौरा जो करता है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री नोएडा से दूरी बनाते दिखे हैं। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं आए। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव नोएडा आए थे, लेकिन कहा गया कि अखिलेश यादव बस से नीचे नहीं उतरे थे। लेकिन योगी के साथ मामला थोड़ा सा अलग है। योगी ने मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा भी किया। ऐसे में अगर योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो नोएडा वाली धारणा भी टूट जाएगी और फिर आगे सभी मुख्यमंत्री नोएडा जाना शुरू कर सकते हैं। यानी कि करीब 70 साल से चली आ रही ये धारणा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही टूट सकती है। यूपी में दूसरी बार योगी सरकार के बनने का मतलब है एक बड़ा बदलाव। योगी का बीजेपी में खत बहुत तेजी से बढ़ेगा और मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री के पहले दावेदार बन जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अभी भी आपको लगता है कि एग्जिट पोल बदल जाएंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।